नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान हनुमान से जुड़े हुए एक ऐसे खास दुर्लभ प्रयोग के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में चल रही जितनी भी धन की समस्याएं होती हैं, चाहे कितना भी बड़ा आर्थिक संकट ही क्यों ना हो, वह सभी कुछ खत्म हो जाता है। हनुमान चालीसा तो काफी लोग अपने जीवन में जरूर ही पढ़ते हैं और सभी को याद भी होती है, लेकिन आपको बता दें कि हनुमान चालीसा के बहुत सारे ऐसे दुर्लभ प्रयोग होते हैं जो बड़े ही ज्यादा गुप्त होते हैं और हर परेशानी के लिए अलग अलग ही प्रयोग होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा के ही एक ऐसे गुप्त प्रयोग के बारे में जिसको अगर कोई करता है तो उसके जीवन में चाहे कैसा भी धन का संकट ही क्यों ना हो, वह निश्चित समाप्त हो जाता है। और आपको बता दें कि हनुमान जी से जुड़े हुए जितने भी प्रयोग होते हैं, जितनी भी साधनाएं होती हैं, वह बड़ी ही ज़्यादा तीव्र होती हैं। और हनुमान चालीसा तो अपने आप में ही एक सिद्ध और खास मंत्र है जो काफ़ी समस्याओं के लिए अलग अलग विधि से इस्तेमाल किया जा सकता है। हनुमान चालीसा से ही दुश्मन से छुटकारा भी पाया जा सकता है, आर्थिक समस्याएँ भी खत्म की जा सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी की जा सकती हैं जो हम आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर ही बताएंगे। अगर आप जब भी रात को सोते हैं और रात को सोते समय आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, सोते समय बुरे सपने आते हैं और नींद नहीं आ पाती है सही से, ऐसा लगता है कि भूत प्रेत आपके कमरे में या आपके घर में घूम रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना होता है कि अपने घर के मंदिर में हनुमान चालीसा दो बार पढ़कर आपको सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें 8 लौंग डाल देनी चाहिए और रात भर के लिए यह दीपक जलाकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जितनी भी बुरी बलाएँ होती हैं, बुरी शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत आदि होते हैं, वह हर कोई डरकर बिल्कुल भाग जाता है। जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, भूत प्रेत आदि होते हैं, ये हनुमान जी के नाम से बिल्कुल कांपना शुरू कर देते हैं। और जब आप यह प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलता है और उस दिन जब आप यह करके सोएंगे तो आपको बिल्कुल भी ना तो कोई बुरे सपने आएंगे और कोई डर भी नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चों को रात को सोते समय इस प्रकार डर लगता है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में नौकरी की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं या फिर जिनका व्यापार है और व्यापार चल नहीं पाता है, बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी व्यापार नहीं चल रहा है या नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि 11 दिन का यह प्रयोग करना है। आपको 11 दिन में 11 बार ही हनुमान चालीसा को पढ़ना है, यानी कि रोज़ 11 बार हनुमान चालीसा को पढ़ना है। रोजाना 9 पत्तों पर, यानी कि जो पीपल के पत्ते होते हैं उन पर चंदन की लकड़ी से चंदन के द्वारा ही राम लिखकर हनुमान मंदिर में भेंट चढ़ाना है। और भेंट चढ़ाने से पहले आपको पीपल के पेड़ के नीचे ही 11 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। ध्यान रखें कि जब आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठेंगे तो आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बैठना है। अगर आपके घर के आसपास कहीं पे ऐसे मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में ही पीपल का यह पेड़ है, तो उसी पेड़ में आप यह प्रयोग को कर सकते हैं। उसी पेड़ के 9 पत्ते तोड़कर वहीं पर साफ कर आप चंदन की लकड़ी से राम लिखकर भगवान हनुमान को रोज़ 11 दिन तक अगर यह प्रयोग करते हैं इसी प्रकार, तो 11 दिन में ही हर परेशानी धन से जुड़ी हुई बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आपको बता दें कि यह ऐसा तंत्र प्रयोग है जो बहुत सारे तांत्रिक अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तांत्रिक बहुत सारी साधनाएं करते हैं भूत प्रेत से जुड़ी हुई, और कई बार उन्हें भी प्रेत योनि, भूत प्रेत आदि का सामना करना पड़ता है। और जब भी भूत प्रेत योनि से सामना होता है तो व्यक्ति की मति और बुद्धि बिल्कुल काम करना ही बंद कर देती है। तो ऐसे में यह वही प्रयोग है, इसमें किया जाता है अगर बहुत सारा घोर संकट जीवन में कभी आ जाए और आप अपने जीवन में अपने आप को फंसा हुआ पाएं, तो आपको एक दिन में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दक्षिण दिशा की ओर बैठकर 108 बार जो कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का जाप कर लेता है, उसके जीवन में चल रहे चाहे कैसा भी संकट में ही वह क्यों ना फंसा हो, उन सभी संकट से निश्चित ही हनुमान जी उसे बचा लेते हैं। आपको बता दें कि हनुमान जी कलयुग में ही मौजूद देवता हैं और वह आज भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए, सेवा के लिए अपना भेष बदलकर निश्चित ही आते हैं। और हनुमान चालीसा में यह लाइन भी आती है कि जो शत बार पाठ कर हुई छूटी बंदी महासुख हुई। तो दोस्तों, यही विधि है कि आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 108 बार जाप करना होता है। चाहे आपके जीवन में कैसा भी संकट हो और अगर आप हनुमान जी के सामने अपने हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हैं और किसी भी समस्या के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं या फिर मदद के लिए प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित ही आपको इस प्रयोग से लाभ मिलता है। लेकिन इसकी आसान विधि किस प्रकार करनी है नौकरी या व्यापार पाने के लिए, वह भी हमने आपको इस वीडियो में बताई है। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूत प्रेत आदि की समस्याएं रहती हैं
या फिर भूत प्रेत आदि से सामना होता रहता है, तो अगर एक दिन में 108 बार पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा को 108 बार पढ़ लेता है तो कोई भी भूत प्रेत आदि, कोई भी तांत्रिक, कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी काला जादू उस व्यक्ति पर काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। यह बड़ा ही ज्यादा खास और तंत्रोक प्रयोग है, तो आप जरूर ही इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे जब भी आप शेयर करते हैं तो इससे आपके पुण्य बढ़ते हैं, और जब आपके पुण्य बढ़ जाते हैं तो जो भी प्रयोग वीडियो में बताया जाता है और उस प्रयोग को जब भी आप करते हैं तो उसमें निश्चित ही लाभ मिलता है। तो जरूर वीडियो को शेयर करके अपने पुण्य बढ़ाया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।